you all. पुढच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या सगळ्या तुम्हाला ओके. जर असं विषय आहे की त्याला सड म्हणजे काय हे माहित नाहीये तर त्याने प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचंय की सर वी डोंट नो व्हॉट इज सड. ओके, इफ एव्हरीबडी नोज अबाउट द सड देन यू हॅव टू राईट सर आय नो सड. ओके, गिव्ह मी क्विक रिप्लाईज. ओके, मैत्रिया नोज. Who else knows? Third म्हणजे काय हे कोणा कोणाला माहित आहे त्याने पटकन आय नो किंवा आय डोंट नो असं लिहायचंय. यू समथिंग. ओके, अनुज ऑल्सो नोज. क्विकली फास्ट. ओके, पवार ऑल्सो नोज. धीरज ऑल्सो नोज. ओके ओके, शेट्टी डोंट नो. वर्षापेक्ष, व्हॉट इज युअर नेम, स्टुडंट नेम, प्लीज टाइप इन द स्टुडंट नेम. ओके सॉरी, ब्रिजेश, यू हॅव रोट, आय आय डिंट सी, सॉरी. शेट्टी ऑल्सो डोंट नो. ओके, नाउ आई विल क्विकली रिवाइज व्हॉट इज मीन्स बाय थर्ड. ओके, सो दॅट यू विल गेट द अंडरस्टँडिंग ऑफ व्हॉट इज थर्ड अँड यू विल फाइंड इट इझी to deal with the topic which we are going to study in this lecture. Okay, so what is the third? See, apan kuthlihi ek suppose ek value likho bracket madhe thava ani thoda motha karto ase jitki pahe aplya pencil ki ti see ani color. Okay, this color. See, if I write this like this, square root of 16, what is the value of square root of 16? It is 4. Okay, and 4 is a rational number. Okay, I hope everybody knows what is rational number and what is irrational number. Okay, I'm not going to explain that. So if we find out the square root of 16, so the value is 4. Dekho, square root of 16 agar hum nikalenge to uski value aayegi 4, which is a rational number. But instead, if we try to find out the value of square root of 7, so what is the value of it's going to be, what is square root kya hai, apko nahi pata hai exactly, nahi hai, it is irrational. So kuchle hi aisa denotation kya kuchle aisa notation jaise ki value irrational the in points banne daksha ado jab irrational mode. Okay, because irrational is a मोर परफेक्ट वर्ड. ठीक आहे, तर ज्या स्क्वेअर रूटची किंवा क्यूब रूटची व्हॅल्यू इरेशनल येते त्याला आपण थर्ड असं म्हणतो. ठीक आहे, तर आता मला फक्त दोन जण आन्सर देतील, कोण? शेट्टी आणि द्विजेश. आता मी जी ही व्हॅल्यू लिहितोय, इज इट अ थर्ड ऑर नॉट? येस ऑर नो मध्ये तुम्ही आन्सर द्यायचं पटकन. इज इट अ थर्ड ऑर नॉट? ओके, द्विजेश हॅज गिव्हन द आन्सर दॅट इट इज अ थर्ड. व्हॉट अबाउट दिस शेट्टी? या, इट इज अ थर्ड. वाय इट इज अ थर्ड? बिकॉज 31 जर आपण स्क्वेअर रूट काढलं तर इट इज गोइंग टू बी अन इरॅशनल व्हॅल्यू. ओके, इरॅशनल व्हॅल्यू होणार आहे, म्हणून 31 जे थर्टी सिक्स इन प्लेस ऑफ 31. इज अ थर्ड ऑर नॉट? ओके, इट्स व्हॅल्यू. ब्रिजेश हॅज फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ दॅट स्क्वेअर रूट अँड इट इज 6, which is a rational number, so that's why root of or square root of 36 is not a third. Okay,
इथून पुढे मी स्क्वेअर रूट ऑफ 36 म्हणण्याऐवजी मी फक्त रूट ऑफ 36 बोलत जाईल. ओके, तुम्ही सगळ्यांनी अंडरस्टँड करायचे. क्यूब रूट जर असेल तर क्यूब रूट बोलणार, फोर्थ रूट असेल तर फोर्थ रूट बोलणार, पण स्क्वेअर रूट जर असेल तर मी फक्त रूट ऑफ 36 असेल त्याला वाचणार. ओके, यू प्लीज अंडरस्टँड. आता मला वाटतं की लास्ट लेक्चर मध्ये आपण कम्पेरिझन ऑफ थर्ड्सच्या अगोदरचे जे टॉपिक्स आहेत ते सगळे बघितले, बरोबर. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू और वी आर गोइंग टू लर्न कम्पेरिझन ऑफ थर्ड्स. ठीक आहे, आय होप ऑल ऑफ यू आर कम्फर्टेबल इन मराठी अँड इंग्लिश अँड देर इज नो बडी हू जस्ट अंडरस्टँड हिंदी और इंग्लिश. असं कोणी आहे की ज्याला फक्त हिंदी अँड इंग्लिश समजते मराठी समजत नाही? असं कोणी असेल त्यांनी प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये हिंदी लिहा. ओके ओके, बघा कम्पेरिझन ऑफ थर्ड्स. तर कम्पेरिझन ऑफ थर्ड्स मध्ये दोन, ओके शेट्टी यू आर देअर, ओके सो आय हॅव टू रिपीट इन हिंदी एज वेल फॉर यू, नो इश्यू, आय विल रिपीट. ठीक आहे, तो देखो अभी हमें क्या करना है, थर्ड्स को कम्पेयर करना है. ठीक है, तो थर्ड्स को कम्पेयर करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जो है वो सीखनी है. ठीक है, वी हैव टू लर्न सम बेसिक थिंग्स. Less than b, then a square is also less than b. I have made a round around a is less than b and a square is less than b. But I can't see on my mobile, I can see on my computer. Am I audible to you all? आवाज आ रही है? वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके, यस, सो यू हैव टेल मी दैट सर वॉइस इज ब्रेकिंग, प्लीज डू सम एडजस्टमेंट्स. या आई होप नाउ माय वॉइस इज क्लियर. ओके, इट शुड बी क्लियर नाउ. सी इफ ए इज लेस देन बी और ए इज स्मॉलर देन बी, देन ए टू इज ऑल्सो गोइंग टू smaller than b. If a and if a is equal to b, then a square is equal to b square, equal to 4. Okay, so we can say that a is smaller than b. Correct, a is smaller than b, we can say that. So if we square both, Shetty, I think it's a problem from your side, okay, because other students are getting my voice clearly. Okay, all of you are getting problem. Ankit also is saying ki voice is breaking again. How many of you are getting problem of my voice? Is it breaking or not? No, it is breaking. I don't understand what you want to say. It's not. Yes, Maitreya is clearly saying it is not breaking. Okay, Shetty is saying breaking. Now it is not. ठीक है, Dujesh is saying now it's clear. Okay, keep telling me. If my voice is in between. So here, let's see, a square. Now we square the a. What is a square? A square is 4. A is 4. Okay? And b square is what? B square is 16. Now here we can see b square is again greater than a. Square, okay.
Am I audible now? Can you listen me clearly? Okay, Maitreya, but I have to move the cursor now because without moving the cursor, I can't teach you, okay? I think it's clear now and we'll move ahead. And in between, if my voice breaks again, you will please inform me, okay? Aap log mujhe inform karenge, theek hai? Chalo. तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी सीखी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी देन ए स्क्वायर इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू बी स्क्वायर. ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है. ये हमें कब काम आएंगी? कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में काम आएंगी. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में काम आएंगी. द्विजेश याद रखो, रिपीट करने वाली इसमें कोई भी चीज बड़ी नहीं है. ठीक है, ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है तो ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से छोटा होगा. ठीक है, a square is a is smaller than b, then a square is going to be smaller than b, b square. अगर a b से बड़ा है तो a square is also going to be greater than b square. It is very easy. And a is equal to b, then a square is equal to b square. Only these three things you have to remember. ठीक है, चलो, I am not going to repeat this again. Moving on to the comparison part. See here, what we can do. देखो, अभी हमको इन दो सर्ड्स को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है. ठीक है, वी वांट टू कंपेयर दीज टू सर्ड्स. इसमें से बड़ा सर्ड कौन सा है? विच सर्ड इज ग्रेटर वन एंड विच इज द स्मॉलर वन, वी हैव टू फाइंड आउट दैट. ठीक है, अभी आप हम लोग अगर देखेंगे तो आपको कौन सा बड़ा लग रहा है, कौन सा छोटा लग रहा है? पहला जो सर्ड है वो आपको शायद बड़ा लग सकता है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट टर्म इन इट इज 6, ओके, एंड द सेकंड सर्ड लुक्स लाइक इट इज 5. बट इफ वी सॉल्व दिस, देन सी व्हाट हैपेंस. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, हमें क्या करना है? दोनों साइड का स्क्वायर करना है. अभी मुझे बताओ, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 36 होगा. बराबर 36 हुआ. 2 का अगर स्क्वायर करेंगे, इस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे. देखो, मैं रूट 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो उसका स्क्वायर क्या होगा बताओ मुझे? रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी 2. ठीक है, अभी मुझे बताओ, 36 टू आर 72, मतलब मेरा पहला नंबर आया 72. ठीक है, अभी मैं दूसरा नंबर कंपेयर करता हूं. मैं ये लाइन ड्रॉ नहीं करता. ठीक है, चलो, 5 का स्क्वायर इज 25. देखो, इस 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया 25, और रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज व्हाट इट इज? इट्स 5. ठीक है, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 होगा. सो 25 5 आर 125. ठीक है, अभी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 72 इज smaller than 125. Okay, that means first number is smaller than the second number. ठीक है, first number is smaller than the second number. समझ आया सबको? कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका square करना है और square को compare करना है. ठीक है, चलो, इतने सारे आपको examples दिए गए हैं. इसमें से मैंने एक example तो ले लिया है, बाकी दो एग्जाम्पल जो है आप लोग सॉल्व करेंगे. अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे आपके रिवीजन के क्लास में बता दोगे. आपके रिवीजन के क्लासेस भी हम लोग लेने वाले हैं. ठीक है, नाउ ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ट्स. ठीक है, ऑपरेशंस करने हैं हमें सर्ट पे, लेकिन ऑपरेशन करने के पहले मुझे बताइए कि लाइक सर्ट क्या होते हैं. इफ यू रिमेंबर लाइक सर्ट, देन इफ द टर्म इन रूट, ओके, स्क्वायर रूट is same. Here it is cube root of 3 and it is also root of 3. That means these two are like surds. ठीक है, these two are like surds. मतलब अगर root square root के अंदर की जो term है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है. ठीक है, तो अगर square root के अंदर की term same रहेगी तो हम उसे कह सकते हैं कि they are like surds. Okay, they are like surds. Now, what we have to do? We have to do operations on like surds only. Okay, we cannot do operations, or we are not going to do operations on unlike surds. जो surds like नहीं है उनपे हम operations नहीं करेंगे. It's okay, Ankit. चलो,
go ahead. See, 7 root 3 plus 29 root 3, ठीक है? तो इन दोनों के like side से, तो ये जो है, ये separate निकल आएगा, या फिर common निकल आएगा, ठीक है? So what we will do? 7 plus 29, that is 36, and ये जो square root of 3 है, we will write it as it is, ठीक है? मतलब हमारा answer क्या आया? कि 36 root 3, okay? 36 root 3 is our answer. See, like third होते, उन्हें अपन काय केलं, हे like third common काढले, ठीक है? High third आणि high third, दोन्हीचं ठिकाण आपण एकच घेतला, ठीक है? आणि हे जे rational number होते, त्यांची addition केली, okay? त्यांची आपण addition केली, चलो, ठीक है? Now the next one, this is also similar, these two are like third, ठीक है? Second you can solve, third you can solve because these are also like third. Because there is a square root of 8 in all of the terms, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, fifth example, are these the like thirds? ये like third है क्या? इनकी तरफ देखने से लगता है क्या ये like thirds है? नहीं लगता, ठीक है? ओके, तो दीज आर नॉट लाइक सर्स, ठीक है? और यहां पे हमें क्या करने को बोला गया है? यहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन करने को बोला गया है, ठीक है? सो इन मल्टीप्लिकेशन इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज अ लाइक सर और नॉट, सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही आपको ध्यान में रखना है कि आपको लाइक सर्स की ही आप एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है? अगर सर्ड्स आर अनलाइक देन यू कैन नॉट एड और सब्ट्रैक्ट देम. In this case, the case above this, you can see first term is root 5, second term is root of 20, and third term is root of 125. So what we have to do? We have to simplify those terms and we have to convert them into the form which looks like a like sir. Okay? देखो अभी 8 root of 5 is as it is, ठीक है? 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 multiplied by 5 is 4 5s are 20. So we have factorized 20 in the form of 4 multiplied by 5. मतलब हमने 20 को 4 multiplied by 5 के form में लिखा. उसके बाद में 125 को भी हमने क्या किया? 25 multiplied by 5 के form में लिखा. तो ये जो 4 है, ये 4 बाहर आएगा और उसका square root क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. So हमारा term बन गया 2 root of 5. और ये 25 जो है, ये अगर बाहर आएगा, तो इसका square root बनेगा 5, ठीक है? और ये जो अंदर वाला 5 है, उसका square root as it is. तो अभी हमारा जो expression है, वो like third के form में convert हो गया है, ठीक है? Like third के form में convert हो गया है, तो हमको क्या करना है? Like third we have to take separate and we have to do the algebra of rational numbers, ठीक है? मतलब 8 plus 2 that is 10 and 10 minus 5 that is 5, so our answer is 5 root 5, ठीक है? मतलब जब हम addition या फिर subtraction करेंगे, then we have to make the thirds like, ठीक है? मतलब हमको वो thirds like third के form में लिखना पड़ेगा, otherwise we cannot add or subtract. But in case of multiplication and division, it is not necessary to have like thirds, okay? Now if you can see here, the first third is root of 10, the second one is root of 42. What we do, we directly multiply them and place them in the square root form as it is, okay? ठीक है? मतलब हम square root form में ही उसको रखेंगे. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि 7 multiplied by 42, तो इस 42 को हमने यहाँ पे किस तरह से लिखा? 7 multiplied by 6. 6 7 is 42 और 7 6 is 42, ठीक है? मतलब 42 को हमने split किया, ठीक है? तो 7 multiplied by 7 is what? It is a root, sorry, square of 7. और square of 7 inside a root becomes 7, ठीक है? मतलब square का अगर हम square root निकालेंगे तो वही number आएगा, बराबर ना? या फिर square root का अगर हम square करेंगे तो वही number आता है. So this 7 comes outside and the 6 or square root of 6 remains as it is inside. ठीक है? तो इसी तरह से आपको multiple division भी करना है. 125 divided by 5 अगर करना है आपको,
तो आपने क्या करना है, 125 को डायरेक्टली 5 से डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा अगर उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, जस्ट प्लेस इट एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट हम 5 निकाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 5 निकाला है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आंसर रूट ऑफ 26 आता तो वी विल बी पुटिंग द आंसर एज अ रूट ऑफ 26। ठीक है, बताओ मुझे अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, इन चार ऑपरेशन में आपको किसको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम है, सर आई डोंट अंडरस्टैंड एडिशन, आई डोंट अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड सिंप्लीफिकेशन, इज देयर एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी क्विकली, डोंट वेस्ट योर टाइम। If you have no doubt, we can go ahead. Shall we move ahead? Division, okay. See, Anuj, I'm going to repeat once again for you. Okay, division. See, Ankit, you don't have to copy. Yes, you copied. Both of you are... रिटर्न द स्पेलिंग रॉन्ग, डिविजन की स्पेलिंग वी आई वी आई एस आई वन होती है। ठीक है, अनुज ने गलत लिख दी तो फिर अंकित ने भी गलत लिख दी क्योंकि उसने कॉपी किया, नो इश्यू, चलो ठीक है। हाँ देखो, अभी हमें क्या करना है, डिविजन करना है। ठीक है, 125 रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली वी डोंट हैव टू कंसिडर देयर इज अ स्क्वायर रूट सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल है ऐसा समझना ही नहीं। ठीक है, हमने क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसी तरह की डिवीजन करनी है और बाद में आंसर को स्क्वायर रूट का सिंबल देना है। कैसे, देखो हमें यहाँ पे दो नंबर दिए गए, सपोज 125 और 5। ठीक है, 125 और 5 दिए गए हैं, तो हमने क्या किया, 125 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25, बराबर आंसर आया 25, तो उसको तुमने स्क्वायर रूट का सिंबल दे दिया। सो स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है वो क्या दर्शाता है, कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, दैट इज 5, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द आंसर 5। इफ द स्क्वायर रूट वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस टर्म देन वी हैव टू प्लेस द टर्म एज इट इज। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिविजन। नाउ मूव अहेड, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड, सी हाउ वी कैन रैशनलाइज अ सर्ड। Rationalizing means what? See, third is a irrational quantity. आप सब लोग मेरे से agree करते हो कि third is a irrational quantity. Third irrational होता है, ये सबको clear है, clear है सबको, third is a irrational। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी उस irrational number को या फिर उस irrational third को rationalize करना पड़ता है। Rationalize करना यानी क्या, कि हमें उस नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। सो दैट प्रोसेस और दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग ऑफ द थर्ड। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग इन द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज रूट टू, इट इज अ थर्ड। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई रूट टू बाय रूट टू, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, आंसर इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 4। ओके, और रूट 4 विच इज 2, एंड 2 इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट, इज अ रैशनल नंबर। सो व्हाट वी हैव डन, आवर नंबर वॉज दिस वन, हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था रूट ऑफ 2। ठीक है, हमें इसको रैशनलाइज करना था, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर। सो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, मतलब हमारे जो दिए हुए नंबर को हम रैशनलाइज करने के लिए जिस किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को कहा जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अभी देखो, रूट टू इज ऑल्सो रैशनलाइजिंग फैक्टर। अभी सेम, अगर हमें रूट टू को रैशनलाइज करना है सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय रूट 8। ओके, तो अभी अभी अगर हम रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, हमें नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या हुआ 16 हुआ, तो 16 के ऊपर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट का सिंबल दे देना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, 4 इज अ रैशनल नंबर,
So again, root of 8 is also a rationalizing factor of root 2. Okay, or we can say root 2 is the rationalizing factor of root of 8. Both are the rationalizing factors of each other. ठीक है, मतलब root 2 भी root 8 का rationalizing factor है और root 8 भी root 2 का rationalizing factor है. समझ में आया? आया समझ में? देखो, rationalizing factor ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान काम है. किस तरह से आसान काम है कि आपको क्या करना होता है, जो वैल्यू उस स्क्वायर रूट में दी है उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा और वही नंबर हमें मिल जाएगा. नाउ वी विल रीड दिस पैराग्राफ. हु इज इंटरेस्टेड टू रीड दिस पैराग्राफ? किसको रीड करने में इंटरेस्ट है इस पैराग्राफ को? रिमेंबर दिस वाला पैराग्राफ, जल्दी से नाम लिखो चैट बॉक्स में. जल्दी से नाम लिखो चैट बॉक्स में. हु वॉन्ट टू रीड दैट, रिमेंबर दिस पैराग्राफ क्विकली, अदरवाइज आई विल रीड, यू विल मिस द चांस. राइट योर नेम्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस नो? जिसको जिसको रीड करना है वो यस लिखो, जिसको नहीं करना है वो नहीं, नो लिखो, कुछ तो लिखो, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपको मेरी आवाज तो आ रही है एटलीस्ट. ठीक है, why there is no reply from anyone, what is the issue? जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है वो नाम डालेगा, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है वो नो डालेगा. He will put simply no in the chat box. Okay, that's good. ठीक है, ऐसे रिप्लाई आने चाहिए जिससे कि मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. जिसको नहीं पढ़ना इसमें प्रॉब्लम होने की बात नहीं, लेकिन आज क्या किस अपने रिप्लाई देना है. ठीक है, ओके, अंकित ने डाल दिया नो. चलो और ओके, चलो ठीक है. अभी आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो ये मुझे पता नहीं. ठीक है, लेकिन यू हैव टू टेक दिस चांसेस. ठीक है, मतलब अगर मैं आपको पढ़ने को बोल रहा हूं, सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी वन एनीथिंग. ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्लास में भी नहीं बैठे कि हमको कोई हम पर कोई आते गलत हो गया तो. ठीक है, देयर इज नो पॉइंट इन नॉट रीडिंग. ठीक है, आई वॉज गिविंग यू चांस टू रीड, सो यू शुड टेक इट. ठीक है, आपको ये चांस लेना चाहिए. अगर कोई बोलता है सर कि आप पढ़ो ऑनलाइन कोई क्लास, कोई नहीं देखने वाला आपको, आपको कोई पहचानता भी नहीं इस क्लास में. ठीक है, सो यू कैन रीड. ठीक है, चलो छोड़ो, अभी किसी को नहीं रीड करना है तो मैं रीड कर लेता हूँ. रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ गिवन सर्ड इज नॉट यूनिक. इफ अ सर्ड इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ गिवन सर्ड, देन सर्ड ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द गिवन सर्ड. तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि कोई भी अगर एक हमें सर्ड मिलता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उस सर्ड का कोई भी एक यूनिक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि रूट टू का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर था, पहले एग्जांपल में रूट टू ही था, लेकिन दूसरे एग्जांपल में रूट एट ने भी उसको रैशनलाइज किया है. ठीक है, रूट एट ने भी उसको रैशनलाइज किया है, सो दैट देर आर टू रैशनलाइजिंग फैक्टर और देर मे बी मोर देन टू. ओके, सो वी कैन नॉट से कि कोई भी एक सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर एक ही हो सकता है या फिर यूनिक हो सकता है. ठीक है, चलो, नाउ वी विल सी द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ऑफ 27. ठीक है, रूट ऑफ 27 देखेंगे. सो रूट ऑफ 27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 3s आर 27 एंड द स्क्वायर रूट इज एज इट इज. नाउ दिस 9 कम्स आउट एंड दिस बिकम्स 3. ओके, 9 बाहर आ जाएगा और 3 बनेगा, और ये जो 3 अंदर का है वो वैसे ही रूट 3 रहेगा. ठीक है, तो हमारा नया नंबर जो बना That is 3 root 3. तो इसका rationalizing factor क्या है? Simply root 3. ठीक है, root 3 is the rationalizing factor. अगर root 3 से हम multiply करेंगे तो क्या होगा, ये root 3 और ये root 3, ये दोनों का multiplication बनेगा 3 and this 3 is
as it is. So 3 multiplied by 3 is 9. So here root 3 is a rationalizing factor. ठीक है, आप 3 root 3 भी ले सकते हो, वो भी इसका rationalizing factor है. So there are number of rationalizing factor for any given third. We have to remember this. Rationalizing factor सबको समझ में आया? Everybody understood what is rationalizing factor. It's a very easy concept. ठीक है, आपने अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे concentrate किया है तो भी आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं भी आया है तो you can honestly tell me, sir, I don't understand. I will repeat it once and then we'll move ahead. Okay? Because we are going to take the practice set now. Okay, चलो सबको समझ में आया, that's good. Now all the answers I'm going to take from you. Remember this, we can make use of rationalizing factor to rationalize the denominator. It is easy to use the numbers with rational denominator, that is why we rationalize it. ठीक है, तो इसके आगे भी, अभी आप 9th standard में है, इससे पहले भी आपने सीखा है कि how to rationalize denominator और why to rationalize denominator. ठीक है, अगर हम denominator को rationalize करेंगे then our calculation becomes simple, easier. Okay, so that's why we rationalize denominator in most of the cases. अगर हमें कोई रूट के फॉर्म में या फिर स्क्वायर रूट के फॉर्म में कोई नंबर, दो नंबर दिए गए हैं, तो उसका जो डिनोमिनेटर है we have to make sure कि that is a rational number. ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का ऑपरेशन करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है कि उस नंबर का डिनोमिनेटर रैशनल नंबर ही होना चाहिए. ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. और अपने आपको मैंने बता दिया कि उसको रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है, सो यू नो हाउ टू रैशनलाइज एनी गिवन नंबर. Okay, now the first question. What is state the order of the following thirds given below? सारे thirds के मुझे order आपने chat box में लिख के बताने हैं. कॉमा से separate कर सकते हैं. You can give the answer in one sentence. Order of the third. State the order of the third. आता है? नहीं आता है? भूल गए? Order भूल गए? Yes or no? Fast. If I ask you a question, you have to give the answer, whether you know it or not. Okay, order of the thirds. Maitreya has given the answer 3. Okay, let me see again. 3, 2, 4, 2, 3. And that is correct. Okay, order of the thirds means what? This is cube root of 7. Okay, that means the order is 3. This is square root of 12. That means if the order of the third is 2. Here 4 is written, so order of the third is 4. Here nothing written, so that's why it's 2. Here 3 is written, that's why the order of the third is 3. Very simple concept. आप लोग भूल गए थे इसलिए आपको आंसर नहीं आया था. ठीक है, आंसर हार्ड नहीं है. जिन लोगों को नहीं आया उनके लिए मैं बता रहा हूँ. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्ड जस्टिफाई. नाउ वी आर गोइंग टू टेक टू एग्जाम्पल फ्रॉम दिस एंड रिमेनिंग यू आर गोइंग टू सॉल्व. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट वन. Whether it is a third or not, it doesn't look like a third. ठीक है, क्यों नहीं लगता हमें ये third है? देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें cube root निकालना है. ठीक है, cube root निकालना है. 51 का cube root क्या आएगा, या फिर कौन सी ऐसी संख्या है या फिर कौन सा ऐसा number है जिसका कि cube plus 51 आता है. अगर हम 1 का cube निकालेंगे तो 1 का cube आएगा 1, 2 का cube आएगा 8, बराबर 3 का cube आएगा 27 और 4 का क्यूब क्या आएगा 64 आएगा. ठीक है, मतलब 27 के बाद में डायरेक्टली 64 आता है. सो 51 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है. सो 51 का क्यूब रूट क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी इरेशनल नंबर. समझ में आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी इरेशनल नंबर. सो दैट इज व्हाई रूट ऑफ 51 इज थर्ड. समझ में आया व्हाई रूट ऑफ 51 इज थर्ड? समझ में आया? यस और नो क्विकली? ओके, चलो अभी मैं लेता हूं फोर्थ वन. ठीक है, फोर्थ वन, इज इट अ थर्ड और नॉट? यस और नो लिखना है सिर्फ. फोर्थ वन, इज इट अ थर्ड और नॉट? यू हैव टू राइट यस और नो. ओके, शेट्टी हैज रिटन इट इज अ थर्ड. Jay Ahir has written it is a third. Maitreya has written it is not.
Okay. Dvijesh is also writing not. Okay, Dipali, Dipali, I don't know your name. Please type in your name, huh? Next time, so that I will know your name. Okay. Tanushree, okay, Tanushree. So Tanushree is also saying yes. Okay. Anyone else? Okay, Pawar is saying not. Anuj, Dhiraj. Maitreya, I am asking for fourth one, huh? Don't get confused. Is it a third or not? Dhiraj is saying it is not a third. It is third. चलो देखते हैं हम लोग ये third है कि नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो यहाँ पे simple square root के form में दिया है, ठीक है? Square root के form में दिया है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? Square निकालने पड़ेंगे. अभी आप पटाखोट लिखेंगे स्क्वायर, मैं कॉल करूंगा आप स्क्वायर लिखेंगे, नंबर टाइप करने में गलत देर नहीं लगती, ठीक है? टू का स्क्वायर जल्दी फोर, हाँ ठीक है, फोर का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, ओके, इलेवन का, 12 का, 13 का, 14 का, 14 का करो, आप कर सकते हो तो. फोर्टीन का स्क्वायर आएगा 196, ठीक है? चलो 15 का, 15 का क्या आया? 225, ठीक है. 16 का, 16 का स्क्वायर क्या आया? रूट ऑफ 256, ठीक है? मतलब रूट ऑफ 256 का आंसर हम 16 लिख सकते हैं. कैन वी राइट 16? Can we write 16 or not? So it is a rational number. It is not a third. It's not a third. ठीक है, जिन लोगों ने भी yes किया लिखा है वो गलत है, जिसने नहीं लिखा है वो सही है, ठीक है? It is not a third. देखो सब लोग, it is not a third. It's not a third. चलो आप लोग लिखते रहो, तब तक मैं थोड़ा सा आगे का लेता हूँ, ठीक है? चलो क्वेश्चन फर्स्ट होगा, क्वेश्चन सेकंड भी होगा, क्वेश्चन थर्ड में से मैं एक ही लेने वाला हूँ, क्वेश्चन फोर में से भी मैं एक ही लेने वाला हूँ, क्वेश्चन फाइव में से भी एक एक ही लूंगा मैं, बाकी आपको करना है, ठीक है? मतलब जितना हो सकता है उतना. चलो नाउ द थर्ड वन, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इंटू लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड. लाइक सर्ड में और अनलाइक सर्ड में मुझे क्या करना है? इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? नाउ 52 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा, 13 थ्री जा, हाउ मच? 13 थ्री जा 39, करेक्ट, एंड 13 फोर जा 52. दैट मीन्स आई कैन राइट 52 एज 13 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो ये 4 अगर बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 2 रूट ऑफ 3. मतलब मेरा जो पहला नंबर है ये बन गया 2 रूट ऑफ 3. यहाँ पे भी रूट 3 है, सॉरी इट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 13, इट्स नॉट गोइंग टू रूट ऑफ 3, सॉरी सी रूट ऑफ 13, ठीक है? तो यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, दैट मीन्स दीज आर लाइक सर्ड्स. अंडरस्टूड? समझ में आया? आपको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ देख के नहीं आप बता सकते कि ये सर है कि नहीं है, ठीक है? यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन इन इट, सी अंडरस्टूड? लाइक सर, समझ में आए सबको? चलो यस, नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर, हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर. नाउ यू विल टेल मी विच क्वेश्चन शुड आई टेक, मैंने कौन सा क्वेश्चन देना चाहिए यहाँ पे. एनी
Okay, चलो देन आई टेक फर्स्ट वन बिकॉज इट्स वेरी इजी. फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज इजी. ठीक है, तो मुझे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, इसलिए मैं इजी लूंगा. चलो, रूट ऑफ 27, हाउ कैन आई राइट रूट ऑफ 27? 9 मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है, रूट ऑफ 27 को क्या लिखा मैंने? 9 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो मैं रूट ऑफ 9 को क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा, और ये रूट ऑफ 3 को एज इट इज लिख दूंगा. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रूट ऑफ 27. किस किस को समझ में नहीं आया? अंडरस्टूड, गुड गुड तनुश्री. अरे लिखो कुछ तो, समझ में आया नहीं आया, सो दैट आई कैन मूव अहेड, आई कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई हैव टू रिपीट इट. इफ यू अंडरस्टूड देन आई कैन टेक द नेक्स्ट वन. यस, चलो सबको समझ में आया, वेरी गुड. मतलब आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, दैट इज वेरी गुड. चलो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सेट हो गया हमारा. कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, हमें अभी क्या करना है? कंपेयर करना है. कंपेरिजन इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग आई विल से. ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा लू? फर्स्ट वन और सेकंड वन और थर्ड वन, फोर्थ वन, आई विल टेक सिक्स्थ वन. ठीक है, थोड़ा सा अभी हार्ड लेता हूँ, चलेगा? तो मुझे क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है. ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा 25, और रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ जल्दी से? रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा? रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3. तो मेरा नंबर क्या बना? पहला नंबर क्या बना? 75 बन गया. पहला नंबर मेरा 75 बना. दूसरा नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है? 9 दिया गया है. तो मैंने अगर पहले का स्क्वायर किया तो मुझे दूसरे का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर. सो 9 का स्क्वायर इज 81. दैट मीन्स 81 इज ग्रेटर देन 75, सो दैट वी कैन से 9 इज ग्रेटर देन 5√3. 9 इज ग्रेटर देन 5√3. समझ में आया? अंडरस्टूड? 9 इज ग्रेटर देन 5√3. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. चलो द फिफ्थ सिक्स्थ वन, सिंप्लीफाई 5√3 प्लस 8√3. हमें क्या करना है? यहाँ पे एडिशन करनी है. ठीक है, 5 प्लस 8 इज 13. 5 प्लस 8 इज 13. ठीक है, 5 प्लस 8 इज 13. सो 13 मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ दोनों जगह पे रूट 3 है, तो आई सिंपली राइट हियर रूट 3. ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है. अभी मल्टीप्लीकेशन का मैं नहीं लेने वाला, मल्टीप्लीकेशन का आपको ही करना है बिकॉज इट्स वेरी इजी. अभी मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करेंगे मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा. ठीक है, आपने क्या करना है? 12 और 18 का मल्टीप्लीकेशन करना है, वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो जो कुछ आता है वो आपने देखना है, अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालो और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उसे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है दैट यू हैव टू सी. उसके बाद में डिवाइड का भी आपको ही करना है. रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का मैं एक क्वेश्चन लूंगा, बाकी आपको करना है. ठीक है, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में बहुत इजी चीज है डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना. देखो यहाँ पे हमें पहला नंबर दिया गया है 3√5. हमें क्या करना है? उसका सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है. ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट न्यूमरेटर. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय √5/√5. ठीक है, √5/√5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, सो √5/√5, what it becomes 5. ठीक है, यहाँ पे 5 बना और ऊपर क्या रहा? 3√5. सो दैट आवर फाइनल आंसर इज 3√5/5. समझ में आया? समझ में आया? देखो आप लोगों ने जो 13√5 लिखा है ना, दैट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड, बट इट इज नॉट नेसेसरी है, बिकॉज वॉट वी हैव आस्क्ड टू डू इज टू जस्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ओके, सो दैट्स इट.
डोंट फॉल इनटू इट, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा के कैलकुलेशन करने के लिए उसको जरूरत नहीं। आपने किया अच्छी बात, दैट्स गुड, इट्स नॉट रॉन्ग थिंग, बट ठीक है, मतलब अगर इजीली हो रहा है तो व्हाई वी गो इनटू द हार्ड पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक भी बता देता हूँ कि आपको क्या करना है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर के लिए। देखो पहला, अभी मैं ये नंबर लेता हूँ थर्ड वन, 5 के सामने मैं √7 लिख दूंगा एज इट इज, और ये √7 की जगह पे मैं 7 लिख दूंगा। दिस इज ऑल्सो रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। और मेरा इंटरेस्ट है इस सिक्स क्वेश्चन में। ठीक है, तो मुझे सिक्स क्वेश्चन में से कोई तो एक क्वेश्चन मुझे लेना है। यू विल सजेस्ट विच क्वेश्चन आई शुड टेक, आई थिंक यू विल सजेस्ट द थर्ड क्वेश्चन, बराबर? शुड आई टेक द थर्ड क्वेश्चन, दिस वन? यस, बिकॉज इट लुक क्वाइट हार्ड ना, करेक्ट? या सी नाउ, अभी हमने 27 को तो सिंप्लीफाई कर दिया है, √27 को सिंप्लीफाई करना हमें अच्छे से पता है, क्या आएगा? 3√3 आएगा, बराबर ना? हमने अभी भी सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे 3√3 आता है। अभी हमें सिंप्लीफाई करना है 7√48 को, 7√48 को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हमें क्या करना है कि स्क्वायर रूट में वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, विच वैल्यू शुड कम इन स्क्वायर रूट, कौन सी वैल्यू हमें स्क्वायर रूट में चाहिए सिंप्लीफिकेशन के? 3 चाहिए, बराबर? मैत्रेय हैज गिवन द करेक्ट आंसर दैट 3 शुड बी स्क्वायर रूट। तो देखो अभी इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि जिससे कि इसमें 3 आ जाए। ठीक है, 3 आ जाए, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सिंपली 7 एज इट इज। ठीक है, ये 7 एज इट इज रहा, 48 को मैं लिखूंगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 24 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 8 3 8 3 25, 8 3 25, बराबर? तो 7 एज इट इज एंड इट इज 8 3 24 एंड दिस टू इज एट एज इट इज। यहां तक समझ में आया सबको? तो देखो हमें √3 चाहिए, ठीक है, ये दोनों नहीं चाहिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 16 होगा। तो 16 अगर हम बाहर लाएंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, एंड 7 4 7 4 28। सो व्हाट विल बी आवर सिंप्लीफाइड आंसर, 24 √3, 24 √3, सॉरी 28 √3 ना, 24 कैसे, 28 आएगा ना, बराबर? 28 √3, उसमें हमें माइनस क्या करना है, 3 √3 माइनस करना है, यानी कि √27 को जो है हमने सिंप्लीफाई किया है पिछले एग्जांपल में, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट, 3√3। उसके बाद में क्या आएगा, √3 आएगा। चलो 28 में से 3 गया, 25, 25 में से 1 गया, 24, करेक्ट? सो 24√3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 24√3 इज द फाइनल आंसर। अभी मुझे बताओ सब लोग, किस किस को ये समझ में नहीं आया, सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आया, या फिर ये कोई भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिस 2.3 दिया गया है, इसमें से कोई भी ऐसी कंसेप्ट है जो कि आपको समझ में नहीं आई है? ऑर्डर हो, ऑर्डर तो समझ में आने वाली इसमें कुछ चीज है ही नहीं। उसके बाद में सर्ड, एग्जैक्टली सर्ड क्या होता है यही पता नहीं है, तो देयर इज बिग प्रॉब्लम। उसके बाद में लाइक सर्ड जो है वो भी अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन आस्क मी दैट ऑल्सो। सिंप्लीफाई कैसे करना है वो भी पूछ सकते हो, बिकॉज वी हैव 5 to 10 मिनट्स लेफ्ट एंड वी कैन यूटिलाइज इट वेरी प्रॉपरली। ओके, उसके बाद में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, कंपेरिजन कैसे करना है, या फिर उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर किस तरह से करना है, यू कैन आस्क एनीथिंग, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन सिंपली पुट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल टेक दैट डाउट फॉर द नेक्स्ट 4-5 मिनट्स। सो बी फ्रैंक, ओके? आपको खुद को पूछना है कि मुझे कौन सी कंसेप्ट समझ में नहीं आई है, ठीक है? तो
कौन सी कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आई, कौन सा मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। अगर सर पूछ रहे हैं कि आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, इन आई हैव टू आस्क, ठीक है। मैं आप लोगों को, मैंने आप लोग मुझको कितने भी बार पूछेंगे डाउट्स, तो मैं आपको कभी भी आप पे चिल्लाता नहीं हूँ, ठीक है। आई नेवर स्कोल्ड यू बिकॉज जस्ट बिकॉज यू आर आस्किंग डाउट्स, ठीक है। यू हैव टू आस्क डाउट्स फ्रेंकली, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडरिंग योर फ्यूचर, ठीक है। मतलब आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, ठीक है। अगर आपका ये बेसिक पक्का है ना, देन यू विल फाइंड 11th 12th मैथ वेरी इजी। लेकिन अगर आपको ये नहीं आती चीजें अच्छे से, देन यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद दो सब्जेक्ट इन 11th और इवन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं, चलो चार लोगों ने तो लिख दिया, द्विजेश ने लिखा है, जय ने लिखा है, तनुश्री ने और अनुज ने लिखा है कि नो डाउट। व्हाट अबाउट अदर्स? What about others? You have to give answers. चलो ठीक है, अभी चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं है, नो इश्यू। आपको आपके होमवर्क के रिलेटेड कोई इश्यू है, देन ऑल्सो यू कैन टेल मी कि सर अपलोड करते हो तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये फिर अच्छे से अपलोड हो नहीं पा रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, सो यू जस्ट टेल मी, ठीक है। अभी आपके पास आपके पास 2 मिनट 5 मिनट है, एंड सी, देखो मैं समझ सकता हूँ कि आपके अभी स्कूल शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल शुरू हो रहे हैं तो यू डोंट हैव टू इग्नोर द स्कूल होमवर्क, ठीक है। आपको स्कूल का होमवर्क इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यू हैव टू डू दैट होमवर्क, एंड ऑल्सो यू हैव टू डू द क्लास वर्क ऑल्सो, क्लास होमवर्क ऑल्सो। ट्यूशन का जो हमारा होमवर्क है ऑनलाइन क्लास का, वो होमवर्क भी आपको करना है। एंड देखो अभी आपको मैंने आपको आज होमवर्क दिया, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी टू अपलोड दैट होमवर्क टूडे इटसेल्फ, ठीक है। मैं जो ड्यू डेट देता हूं आपको, अगर मैं आपको आज होमवर्क देता हूं तो मेरी ड्यू डेट रहती है नेक्स्ट क्लास के पहले की डेट, बराबर। तो यू कैन सबमिट द होमवर्क इन दीज 8 days एनी टाइम, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो डोंट टेक प्रेशर ऑफ होमवर्क, ठीक है। आपने होमवर्क का कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, समझ रहे हो। आया, चलो। सो आई थिंक इट इज अ टाइम टू से बाय बाय, नोबडी हैज एनी काइंड ऑफ अ डाउट, और मे बी यू पीपल आर जस्ट अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू द टीचर्स, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपने घबराना नहीं है। यू कैन टॉक कि सर मुझे ये डाउट है, यू प्लीज सॉल्व दिस डाउट। यू पीपल डोंट टॉक, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो।